Now we have to do exercise 1B, question number 7 and 8. It is, it is again related to taxation. Nowadays we are doing 1B. First, day, first day question are related to discount and remaining are related to tax. Okay. So we comes to question number 7. Okay. I have to read from your book. According to this question number 7. Okay. एक्चुअली चार्जेज अमीशन ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अके आपको पता होना चाहिए जो भी एजेंट होते हैं चाहे वो कार सेल करे चाहे वो घर करें या कोई भी चीज करें ओके okay? उस पर खास कमीशन होता है वो जो बाय और सेलर दोनों से लेते हैं ओके okay? और इसका कमीशन रेट क्या है टू पॉइंट फाइव परसेंट ओके अब इसके टू पार्ट है फर्दर फर्स्ट है ए पार्ट है गिवन डेट द एजेंट सेल हाउस फोर पीस सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड अगर इंटरनेशनल तो हम क्या इसे बोलेंगे इसको डॉलर पे उसने बोला घर सेल किया फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन कमीशन ही और और रेट गिवन है दैट ओके okay? अब ये देखें। और घर सेल किस प्राइस पे किया थाउजेंड कमीशन का रेट so, क्या करना है that the तो अमाउंट तो कमीशन का फॉर्मूला बहुत आसान है आपने लगाना है कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय पे उसने घर सेल किया तो क्या टू पॉइंट फाइव बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड सोल्व करें तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी बहुत ईजी है ठीक है ये बहुत जीरो बिल कैंसिल दिस और ये तो बाकी रिमेनिंग सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रह जाएगा इसको टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा वन थाउजेंड सिक्स को सोल्व करने के टू मैथड फर्स्ट मैथड वन ये है कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगी अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कमीशन रेट ऑफ कमीशन तो टू पॉइंट फाइव परसेंट है और अमाउंट ऑफ कमीशन क्या था अभी हमने फाइंड आउट किया था ये देखे

तो फर्स्ट जो है कि कमीशन मिला उसको आपने रेट इसका क्या फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कमीशन ऊपर लिखते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड नीचे लिखे रेट ऑफ कमीशन टू पॉइंट फाइव ओके यही है ना रेट ऑफ और इसको मल्टीप्लाई क्या करते ना सबको हंड्रेड पे

2.5 ऑफ़ होगी डिवाइड कर लो और 12000 परसेंट 2.5 था डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो आ ये भी बेटा, बेटा बहुत इजी है आप क्वेश्चन से लेंगे 12000 जो है उसका अमाउंट उस पर रेट ऑफ कमीशन क्या लेंगे ठीक है तो जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप कर लेंगे मूव

आपको पता अगर आपके पास, आपने कोई है तो क्या आ जाएगी फिफ्टी फिफ्टी को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे।, करेंगे और जो आंसर होगा उसको आपने इस 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आ जाएगा एट हंड्रेड ये जो एट हंड्रेड आपके पास क्या है मार्क प्राइस

ए पार्ट में परसेंट डिस्काउंट दिया उन्होंने क्या, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा इन अदर वर्ड अगर किसी जगह शॉपिंग करने जाए और इकट्ठा हुआ लिखे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट और एक जगह लिखो कि आपको चीज खरीदे पहले आपको ट्वेंटी मिलेगा फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट मिलेगा तो देखते हैं कि उन दोनों में से कौन कौन सा आपके लिए ज़्यादा है यानी इन वो, वो जो भी चीज़ सी आपको सस्ती मिलेगी ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट सो टू इट क्या करना है सबसे पहले मिले, तो आपने अपने है कि क्या वो तो सेल प्राइस सेम वही रहेगी दिया था तो सेल प्राइस आपकी सेवन हंड्रेड थी अब, अब इस पे आ जाते तो डिस्काउंट क्या होगी अच्छा कम होता है ना तो में से को क्या कर देना सब टेट करना तो क्या आएगा नाइन 90. 90 और मार्क फाइंड किया क्या है प्राइस? 800. Very good. तो आपने जो टेन परसेंट डिस्काउंट है तो हंड्रेड में से टेन को क्या करोगे बेटा

देखिए वो कह रहे हैं पार्ट वन और पार्ट टू में क्या ये सेम आ जाएगा सेल प्राइस नहीं जब इकट्ठा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट डिस्काउंट देंगे तो वो हमें ज्यादा फायदा मंद है वो फिर आपको सेवन हंड्रेड देना पड़ेगा और यहाँ कितना देना पड़ेगा सेवन हंड्रेड टू ओके दिस इज और फॉर टूडे सो अल्लाफिज आपको समझ आ रहा होगा ना बेटा